हम लोग उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद हैं और ये होद बदूसरा है जहां पर प्रशासन बाबा का बुलडोजर लेकर पहुंचा है। यहां पर करीब 4 से 5 बुलडोजर हैं। फिलहाल मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरह से ये नींवें खोदी जा रही हैं। 40 लोगों को नोटिस दिया गया था, फिलहाल जो भी लोग ये बाउंड्री भरी है, लेकिन अभी तक बताया किसी लोगों को नोटिस, बिना नोटिस दिए कुछ तोड़े गए हैं, पहुंचे हैं काफी तादाद में यहाँ लोग पहुंचे हैं। और शहर विधायक के जो पुत्र है सुहेल इकबाल, वो भी लोगों की समस्याएं लेकर प्रशासन से बात नहीं में बच पा रही है, ना कुछ हो पा रहा है इस तरह का। ना अगर गरीबों की सुनवाई नहीं होगी तो कैसा काम चलेगा? वो तमाम जो नींवें उन्होंने भर रखी होंगी, चाहे उन्होंने भूलवश भरी है या उन्होंने अपनी जमीन भरी है, तो उसको तमाम बुलडोजर से जाना है। जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, आप आए हैं, क्या बात की प्रशासन ने? क्या किस तरीके से गरीबों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, किस तरीके से उनको जाना भयभीत किया जा रहा है बुलडोजर के जरिए, और हम बात कर रहे हैं उन लोगों से, उनकी खुद की जमीन है और यहाँ कहीं लग रहा है आपको दूर दूर तक कहीं जलमग्न हो, और उसके बाद भी है ना ये जानबूझ कर जो है ना बदले की भावना की तरह कहना चाहिए उस पर है ना बुलडोजर चलाया जा रहा है, पुलिस से डरा के पुलिस पर तमाम तैनात करके है ना डंडे के साय में है ना ये काम कराया जा रहा है। इस तरह से अगर है ना सरकारें चलती होंगी तो इस तरह से सरकार किस तरह बनेगी? क्या सर इससे पहले नोटिस दिए गए थे जो 40 नोटिस बता रहे हैं, उसके अलावा भी नोटिस जिनको दिए होंगे उन्होंने दिए होंगे, लेकिन इनको जिनको तोड़ा रहे हैं कोई नोटिस नहीं दिया गया। जहाँ जहाँ पर ये बुलडोजर चल रहा है वहाँ पर कोई नोटिस नहीं है, वो कह रहे हैं हमारा अधिकार है हम तोड़ सकते हैं, कोई हम अपने आप में अदालत है। तो आज जो है बुलडोजर जो है बगैर अदालत से चल रहा है, बगैर किसी से चल रहा है। अब सबको बता दिया मेरी बात, जितने लोगों से हुई यहाँ पे मैंने मालूम करा कि आप लोगों को नोटिस दिया था कोई गुलाहान हो चाहे, लेकिन कोई हमने जवाब दिया है, जवाब देने के बाद उनको सुनवाई का मौका दिया है 23 तारीख कल पहली डेट सुनवाई के लिए। इससे आगे भी 40 लोगों को नोटिस दिया गया है कि अगर इसी तरह से लगातार अवैध यहाँ पर चलता है कोशिश सरकारी जमीन है, यहाँ पे शिकायत क्षेत्र के तालाब को लगातार लोग काटते हुए प्लॉटिंग का कार्य कर रहे हैं, तो प्लॉटिंग के कार्य में कई बार जो कोलाइजर होता है वो लोगों को भ्रमित करके प्लॉट भेज रहा होता है, जिससे आम जनता का अल्टीमेटली लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पे उनका नक्सल भाग लिए जो महा योजना है 2021 महीने की प्रस्तावित है जलमग्न भूमि के रूप में, तालाब के रूप में, तो यहाँ पे कोलाइजर को डिमोनाइज करने के लिए कि वो गलत तरीके से आम जनता को भ्रमित न कर पाए, उसके द्वारा किए गए प्लाटों की निशानदेही को जिस तरह से जो प्रशासन मुद्दे ने कहा है कि जो 40 नोटिस किए गए हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जाएगी, किसी तरह से भी इस बाबा का बुलडोजर अब रुकने वाला नहीं है। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर।